तो अगला प्रश्न है जिसमें दिया गया है कि वाई जेड समतल पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 3, 2, -1 और बी 1, -1, 0 तथा बिंदु सी 2, 1, 2 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब है कि उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान है, अर्थात मान लेते हैं कि एक बिंदु है जो कि वाई जेड समतल पर है पी, तो P से A के बीच की दूरी, P से B के बीच की दूरी और P से C के बीच की दूरी समान है। ऐसी स्थिति में हमें बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि माना YZ समतल पर अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक पी 0, YZ है। चूँकि YZ समतल पर X निर्देशांक शून्य होता है, इस वजह से हमने पी 0, YZ ऐसा लिखा हुआ है। अब बिंदु P से A की बीच की दूरी, बिंदु P से A की बीच की दूरी तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो ये z प्लस 1 का स्क्वायर। आगे जब इसे आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 3 - 3 का स्क्वायर आपको मिलेगा 9 और y - 2 का होल स्क्वायर ये मिलेगा y² + 4 - 4y और z + 1 का होल स्क्वायर तो ये मिलेगा z² + 2z + 1। और यहाँ से हम पी ए का स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो पी ए का स्क्वायर वर्गमूल हट जाएगा और चर राशि के घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो पहला है y², फिर दूसरा z², फिर -4y + 2z + 14। इसी तरीके से हम पी बी निकाल लेते हैं, तो पी बी फिर से 0 - 1 का वर्ग और y - 1 का वर्ग और z - 0 का वर्ग। आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा -1 का वर्ग 1 और y - 1 का वर्ग y² - 2y - 1 और z² का वर्ग। इस तरीके से यदि आप इसको पी बी स्क्वायर लेते हैं तो पी बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा y² + z² + 2y + 2। और मान लेते हैं कि ये एक है समीकरण, ये दो, और P से C की बीच की दूरी, तो P से C की बीच की दूरी 0 - 2 का वर्ग और y - 1 का वर्ग और z - 2 का वर्ग। ये z है और ये 2 है। आगे सरल करेंगे तो -2 का वर्ग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4, y - 1 का वर्ग करेंगे तो y² - 1 - 2y और फिर z - z - 2 का वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा z² - 4 - 4z। इस तरीके से यदि आप पी सी का वर्ग निकाल लेंगे और इसको भी हम चर राशि के घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो ये है y² + z² - 2y - 4z + 9 और माना कि ये समीकरण 3 है। और प्रश्नानुसार पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी, तो इससे यदि दोनों तीनों पदों का वर्ग कर दिया जाए तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो पहले हम दोनों पदों को लेकर के चलते हैं, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। तो ये पी ए स्क्वायर है, ये आपको मिल जाएगा y² + z² - 4y + 2z + 14 और ये इक्वल टू पी बी का स्क्वायर, तो y² + z² + 2y + 2। ये y² z² ये y² और ये z² कैंसिल हो जाएगा। ये -4y है और ये 2y, इसको लेफ्ट साइड में ले आओगे तो -6y आ जाएगा और फिर ये आपका 2z ये वाला पद और ये 2 को लेफ्ट में ले आएंगे तो 14 - 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 12 = 0। तो मान लेते हैं कि ये समीकरण 4 है।
इसी प्रकार अब पी बी का वर्ग बराबर पी सी का वर्ग, इसको लेकर के आगे हम सरल करेंगे। पी बी का वर्ग बराबर पी सी का वर्ग, इसका हम उपयोग कर रहे हैं। और पी बी का वर्ग आपको मिला था वाई का वर्ग धन जेड का वर्ग धन दो वाई धन दो, और पी सी का जो वर्ग है ये हमें मिला था वाई का वर्ग धन जेड का वर्ग ऋण दो वाई ऋण चार वाई धन नौ। तो ये वाई का वर्ग, ये वाई का वर्ग, ये जेड का वर्ग और ये जेड का वर्ग कैंसिल हो जाएगा। ये एक्चुअली में ये फोर जेड था, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस फोर जेड प्लस नाइन। अब ये जो माइनस टू है लेफ्ट साइड में आकर के आपको मिल जाएगा टू प्लस टू दैट इज़ फोर वाई, और ये माइनस फोर जेड लेफ्ट साइड में आकर के हो जाएगा प्लस फोर जेड और टू, और ये माइनस नाइन, तो माइनस नाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस सेवन इक्वल टू ज़ीरो। मान लेते हैं कि ये समीकरण पाँच है। अब समीकरण चार जो था और पाँच, समीकरण पाँच तो ये है, समीकरण चार आपको मिला था ऋण छः वाई धन दो जेड धन बारह बराबर शून्य, और ये दूसरा चार वाई धन चार जेड ऋण सात बराबर शून्य। तो ये दोनों समीकरण हैं, इसको हम वज्रगुणनखंड विधि का उपयोग करके हल कर सकते हैं, और भी जितने विधियाँ हैं उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वज्रगुणनखंड विधि का उपयोग कर रहा हूँ। तो ये वाई बटे दो और ऋण सात का गुणा करोगे मिल जाएगा ऋण चौदह, और ऋण बारह और चार का गुणा करोगे तो मिल जाएगा ऋण अड़तालीस बराबर आप ऋण जेड, और फिर ऋण छः और ऋण सात का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा सात छक्के बयालीस, और फिर ऋण बारह और चार का गुणा करेंगे मिल जाएगा अड़तालीस बराबर एक बटे ऋण छः और चार का गुणा करेंगे छः चौक चौबीस ऋण चार और दो का गुणा करेंगे मिल जाएगा आठ। तो इसे अब और आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा वाई बटे बैंसठ, और ये ऋण बैंसठ है, और फिर ये ऋण जेड है, और बयालीस ऋण अड़तालीस, तो आपको मिल जाएगा ऋण छः बराबर एक बटे ऋण बत्तीस। आप देख पा रहे हैं कि तीनों में ऋण चिन्ह है, यहाँ पर और ये यहाँ पर, इसको दो तीनों पक्षों में या तीनों पदों में यदि आप ऋण चिन्ह को हटा दें तो भी थोड़ा आसान हो सकता है, या फिर आप डायरेक्टली इसको प्रथम पद और अंतिम पद को लीजिए। तो प्रथम व अंतिम पद से तो ये y और ये माइनस सिक्सटी टू इक्वल टू वन अपॉन माइनस थर्टी टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा y इक्वल टू सिक्सटी टू अपॉन थर्टी टू, और अल्टीमेटली आपको सॉल्व करने पर मिलेगा थर्टी वन अपॉन सिक्सटीन, ये y का मान है। इसी तरीके से यदि द्वितीय व अंतिम पद को लेकर चला जाए, ये पद और ये पद को, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम सीधा z अपॉन सिक्स लिख सकते हैं, और ये एक बटे ऋण बत्तीस, या फिर आगे सरल करने पर z बराबर ऋण छः बटे बत्तीस, और यदि आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऋण तीन बटे सोलह, दो से दोनों पद भाग जाएंगे, तो आपको y और z का मान मिल चुका है। अतः हम लिखेंगे कि अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक या अभीष्ट बिंदु P 0yz था, तो ये 0y 31 बटे 16 और z का मान ऋण 3 बटे 16 है, यही हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए बिंदुएं ऋण 2 4 ऋण 3 4 ऋण 3 ऋण 2 तथा ऋण 3 ऋण 2 4 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं, और पहले हमें मानना होगा कि ये बिंदु ए बी सी अर्थात इसका नामकरण करना होगा, और समबाहु त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर है, ये हमें दिखाना होगा। तो यदि हम ए बी बी सी और सी ए की लंबाई ज्ञात कर लें और उसकी तुलना करें तो उससे हम सिद्ध कर पाएंगे कि यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसे हम लिखेंगे कि माना
दिए गए त्रिभुज के शीर्ष ए ऋण दो चार ऋण तीन, बी चार ऋण तीन ऋण दो तथा बिंदु सी ये तीन ऋण तीन ऋण दो और चार है। तो अब हम ए बी दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ए और ये बी, तो ए वन माइनस ए टू, एक्स वन माइनस एक्स टू, तो आप लिखेंगे माइनस टू माइनस फोर का स्क्वायर प्लस फोर माइनस और माइनस प्लस थ्री का स्क्वायर और फिर प्लस माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस टू का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस टू माइनस फोर का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा माइनस सिक्स का स्क्वायर, तो दैट इज़ 36 और फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन का स्क्वायर 49 और माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन और माइनस वन का स्क्वायर 1। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 86। तो मान लेते हैं कि समीकरण एक है। इसी तरीके से बी और सी की बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू, तो फोर माइनस और माइनस प्लस थ्री हो जाएगा प्लस माइनस थ्री माइनस और माइनस प्लस टू और फिर अंत में जेड वन माइनस जेड टू, तो माइनस टू और ये माइनस फोर का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन का स्क्वायर 49, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन और माइनस वन का स्क्वायर 1, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स और उसका स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा आपको 36। ये भी आपको मिल गया स्क्वायर रूट 86। अब ए सी या सी ए के बीच की दूरी ज्ञात करनी बची है, तो माइनस थ्री माइनस और माइनस प्लस टू का स्क्वायर, फिर माइनस टू माइनस फोर का स्क्वायर और फिर अंत में फोर माइनस और माइनस प्लस थ्री का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस थ्री प्लस टू वन का स्क्वायर 1, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स और इसका स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा 36, फोर प्लस थ्री करेंगे 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा आपको 49। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी आपको स्क्वायर रूट 86 मिल रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण एक दो तीन से कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि ए ऋण दो चार ऋण तीन, बी चार ऋण तीन ऋण दो तथा बिंदु सी ये ऋण तीन ऋण दो चार समबाहु त्रिभुज के शीर्ष या शीर्षों के निर्देशांक हैं। और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। अगले प्रश्न में कहा गया है कि बिंदुएं चार छः ऋण पाँच, शून्य दो तीन तथा ऋण चार ऋण छः ऋण एक, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पूर्व की भांति भी हमें इस प्रश्न में तीनों बिंदुओं का पहले नामकरण करना होगा और फिर भुजाओं की लंबाइयां निकालनी होगी ए बी बी सी और सी ए। अब चूंकि यहाँ पर कहा गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं सिद्ध कीजिए, इसका मतलब ये है कि किसी दो भुजाओं की लंबाइयाँ जो होगी यह बराबर होगी। तो हम लिखेंगे कि माना दिए गए त्रिभुज के शीर्ष ए यह चार छः ऋण पाँच, बी शून्य दो तीन तथा सी ऋण चार ऋण छः ऋण एक है। अब हमें सिद्ध करना है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके लिए पहले हम भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करेंगे। ए बी की लंबाई एक्स वन माइनस एक्स टू, तो ये फोर माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू, सिक्स माइनस टू का स्क्वायर और प्लस जेड माइनस फाइव माइनस थ्री का स्क्वायर। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा फोर का स्क्वायर 16, सिक्स माइनस टू फोर और फोर का स्क्वायर अगेन 16, माइनस थ्री माइनस एट, माइनस फाइव माइनस थ्री मिल जाएगा माइनस एट का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा आपको 64।
इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 96। मान लेते हैं कि समीकरण एक है। इसी तरीके से बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, तो 0 माइनस और माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, फिर 2 माइनस और माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, और फिर 3 माइनस और माइनस प्लस 1। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 16, 6 प्लस 2 8, 8 का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा 64, 3 प्लस 1 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा 16। इसको भी सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट और 96। अब चूंकि दो भुजाओं की लंबाइयाँ मिल चुकी है, तीसरी की भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वह निकालना भी जरूरी है ताकि यह एग्जैक्टली क्रॉस चेक हो सके कि यह सम द्विबाहु त्रिभुज है या फिर सम बाहु त्रिभुज है। तो ए और सी की बीच की दूरी निकाल लेते हैं, तो ये 4 माइनस और माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस और माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, और फिर माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4 प्लस 4 8, और 8 का स्क्वायर 64, 6 प्लस 6 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा 144, और माइनस 5 प्लस 1 तो माइनस 4, और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा 16। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 224, और मान लेते हैं कि समीकरण 3 है। तो यहाँ स्पष्ट है कि ए बी बराबर बी सी और ये नॉट इक्वल टू है ए सी की। तो इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगला प्रश्न है जहां पर दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3 ऋण 1 ऋण 1, 5 ऋण 4 0, 2 3 ऋण 2 तथा 0 6 ऋण 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा विकर्ण की लंबाइयां बराबर नहीं होती। तो इसके लिए पहले बिंदुओं का हम नामकरण करेंगे ए बी सी डी, और फिर सभी भुजाओं की लंबाइयां अर्थात ए बी बी सी सी डी और डी ए ज्ञात करेंगे। इसके साथ ही दो विकर्ण ए सी और बी डी इसकी भी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो जो बिंदुएं दी गई है उसे माना यह बिंदु ए है, यह है 3 ऋण 1 और ऋण 1। बिंदु बी ये 5 ऋण 4 0, बिंदु सी 2 3 ऋण 2 तथा डी 0 6 ऋण 3 है। तो पहले हम ए बी की बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ये x1 - x2 तो 3 - 5 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का स्क्वायर। तो आगे 3 - 5 करेंगे मिल जाएगा -2, और -2 का स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 4। 4 - 1 करेंगे मिलेगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा 9। इसी तरीके से -1 का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा आपको 1। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 14। ए बी अब हम लोग निकालते हैं बी सी, ये बी और सी तो x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का स्क्वायर। तो 5 - 2 मिल जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, -4 - 3 - 7, और -7 का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा 49, और 2 का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा 4। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 62। बी सी ए बी बी सी अब निकालेंगे सी डी, सी से डी की बीच की दूरी तो ये 2 ऋण 0 का वर्ग, और फिर 3 ऋण 6 का वर्ग, और ऋण 2 ऋण और ऋण 3 का वर्ग। हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 का वर्ग 4, 3 ऋण 6 करेंगे मिल जाएगा ऋण 3, और ऋण 3 का वर्ग 9, और 3 ऋण 2 1, और 1 का वर्ग 1। तो इस तरीके से ये भी मिल गया आपको वर्गमूल 14। और अब अंत में डी ए हम निकाल लेते हैं। डी से ए की बीच की दूरी तो 0 ऋण 3 का वर्ग, और 6 ऋण और ऋण 1 धन 1 का वर्ग, और ऋण 3 और ऋण धन 1 का वर्ग। हल करेंगे 3 ऋण 3 का वर्ग 9, 6 धन 1 7, 7 का वर्ग 49, और ऋण 3 धन 1 ऋण 2 और ऋण 2 का वर्ग 4।
सरल करेंगे आपको मिल जाएगा वर्गमूल 62। तो ये ए बी बी सी सी डी और डी ए ये इस चतुर्भुज के भुजाओं की लंबाइयां हैं। अब हम विकर्ण की लंबाइयां ज्ञात कर लेते हैं। ये सभी जो हैं ये भुजाएं हैं। अब हम लोग विकर्ण की लंबाइयां ज्ञात कर लेते हैं। विकर्ण ए सी और बी डी, तो ए से सी के बीच की दूरी, ए से सी के बीच की दूरी तो 3 ऋण 2 का वर्ग और -1 -3 का वर्ग और -1 -2 का वर्ग। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 3 ऋण 2 1 का वर्ग, 1 ऋण 3 ऋण 4 का वर्ग 16 और 2 में 1 घटाएंगे मिलेगा 1, वर्गमूल 18। अब बी डी इसका जो दूसरा विकर्ण है इसकी लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। बी डी अर्थात 5 ऋण 0 धन -4 -6 का वर्ग और 0 ऋण और -3 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, -6 -4 -10 और -10 का वर्ग 100 और 3 का वर्ग 9। सरल करने पर आपको मिल जाएगा वर्गमूल 134। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ स्पष्ट है कि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी या फिर डी ए, तथा इसके जो विकर्ण हैं ए सी ये बराबर नहीं है बी डी के। अतः सिद्ध हुआ कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि 0 4 1 2 3 ऋण 1 4 5 0 तथा 2 6 2 यह एक वर्ग के शीर्ष के निर्देशांक हैं। तो ये सिद्ध करने के पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हो तथा दोनों विकर्ण की लंबाइयां बराबर हो तब वह एक वर्ग बनता है या फिर वर्ग होता है। ये जो चार बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है पहले इसका हम नामकरण करेंगे और फिर भुजाओं की लंबाइयां और विकर्ण की लंबाइयां ज्ञात करेंगे। और जैसा वर्ग अपने आप में जो गुणधर्म को रखता है वह गुणधर्म यदि यहाँ पर मिलता है तो हम कहेंगे कि ये चारों बिंदुएं या चारों बिंदुएं वर्ग के शीर्ष के निर्देशांक हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना ए 0 4 1, बिंदु बी 2 3 ऋण 1, बिंदु सी 4 5 0 तथा बिंदु डी 2 6 2 है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का उपयोग करके ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। 0 ऋण 2 का वर्ग, 4 ऋण 3 का वर्ग और z1 - z2 तो 1 -1 + 1 का स्क्वायर। आगे जब इसे सरल करेंगे -2 का वर्ग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 4 ऋण 3 मिल जाएगा 1 का वर्ग 1 और 1 और 1 का वर्ग 2, तो 4 और 2 6 और 1 7, ये आपको मिल गया वर्गमूल 7। 1 और 1 2 और 2 का वर्ग 4 4 4 8 और 1 9 9 का वर्गमूल 3, ये आपको मिल गया ए बी। अब निकाल लेते हैं हम बी और सी के बीच की दूरी, तो ये मिल जाएगा 2 ऋण 4 का वर्ग धन 3 ऋण 5 का वर्ग और -1 0 का वर्ग। सरल करेंगे 2 ऋण 4 ऋण 2 ऋण 2 का वर्ग 4, 3 ऋण 5 ऋण 2 और ऋण 2 का वर्ग 4 और -1 का वर्ग 1, तो ये 9 और 9 अर्थात यहाँ पर ये भी 3 मिल गया। ए बी बी सी और सी डी, सी से डी के बीच की दूरी तो 4 4 ऋण 2 का वर्ग धन 5 ऋण 6 का वर्ग धन 0 ऋण 2 का वर्ग। सरल करेंगे 4 ऋण 2 2 और 2 का वर्ग 4, 5 ऋण 6 ऋण 1 और ये इसका वर्ग करेंगे 1 और -2 का वर्ग 4, इसको भी सरल करेंगे आपको मिल जाएगा 3। अब डी ए
भुजा अंतिम भुजा यह है डी और ए के बीच की दूरी, तो 2 ऋण 0 का वर्ग धन 6 ऋण 4 का वर्ग और धन 2 ऋण 1 का वर्ग। सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 का वर्ग 4, 6 ऋण 4 2, 2 का वर्ग 4 और ये 1। इसे भी सरल करेंगे मिल जाएगा 3। तो ए बी बी सी सी डी और डी ए की लंबाइयाँ अर्थात भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर है। अब हमें विकर्ण को टेस्ट करना है, तो यहाँ से यह विकर्ण है और इसके पहले ये सभी भुजाएं हैं। ए से सी के बीच की दूरी 0 ऋण 4 का वर्ग धन 4 ऋण 5 का वर्ग और 1 ऋण 0 का वर्ग। सरल करेंगे तो 4 ऋण 4 का वर्ग 16, 4 ऋण 5 ऋण 1 का वर्ग 1 और ये 1 और ये मिल गया आपको वर्गमूल 18। ए सी और अगला और अंतिम इसका जो विकर्ण है यह है बी डी, और बी से डी के बीच की दूरी अर्थात 2 ऋण 2 का वर्ग धन 3 ऋण 6 का वर्ग धन 1 ऋण 2 का वर्ग। तो 2 ऋण 2 0 और 6 ऋण 6 धन 3 ऋण 3 का वर्ग 9 और 2 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 3 का वर्ग 9 और ये भी वर्गमूल 18। तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा इसके जो विकर्ण हैं ए सी और बी डी की लंबाइयाँ बराबर हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि ए बी सी डी एक वर्ग के शीर्ष के निर्देशांक हैं। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए बिंदु 6 10 10 6 ऋण 10 0 तथा 1 0 ऋण 5 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब किसी बिंदु के निर्देशांकों को मिलाने पर जो आकृति बन रही है यह समकोण त्रिभुज है। यह तभी सिद्ध होगा जब इन भुजाओं को लेकर हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले हम भुजाओं का नाम दे देते हैं या नामकरण कर लेते हैं कि माना ए ये है 6 10 10, बिंदु बी ये है 6 ऋण 10 0, बिंदु सी 1 0 और ऋण 5 है। अब हम पहले ए बी बी सी और सी ए के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो ये ए बी 6 ऋण 6 का वर्ग फिर धन 10 ऋण और ऋण धन 10 का वर्ग और फिर 10 ऋण 0 का वर्ग। हल करेंगे तो 6 ऋण 6 0 और 10 धन 10 20 और 20 का वर्ग 400 और 10 का वर्ग फिर 100। हल करने पर आपको मिल जाएगा वर्गमूल 500 और इसे आप लिख सकते हैं 10 वर्गमूल 5। अब ए बी निकल चुका है, अब बी सी निकाल लेंगे। 6 ऋण 1 का वर्ग धन 10 ऋण 0 का वर्ग धन 0 ऋण और ऋण धन 5 का वर्ग। सरल करेंगे 6 ऋण 1 5 और 5 का वर्ग 25, 10 ऋण 10 का वर्ग 100 और 5 का वर्ग फिर से 25। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वर्गमूल 150। ए बी बी सी और सी ए या ए सी तो ये 6 ऋण 1 का वर्ग फिर 10 ऋण 0 का वर्ग और फिर 10 ऋण और ऋण धन 5 का वर्ग। तो 6 ऋण 1 करने में लगा 5, 5 का वर्ग 25, 10 का वर्ग 100 और 10 5 15 और 15 का वर्ग 225। इसको सरल करने पर आपको मिल जाएगा वर्गमूल 350। तो पहले हम लोग ए सी का वर्ग निकाल लेते हैं और बी सी का वर्ग निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़कर देखते हैं। तो ए सी अर्थात ये वर्गमूल 350, तो वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा 350 और बी सी का वर्ग अर्थात 150, तो ये 350 और ये 500 आपको मिल चुका है। और आप यह देख पा रहे हैं कि ये जो 500 है ये ए बी का वर्ग है। तो चूंकि यहाँ पर आपको मिल रहा है कि ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग, तो ये पाइथागोरस प्रमेय ही है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है,
यह पाइथागोरस प्रमेय है। तो अतः हम लिखेंगे, अतः सिद्ध हुआ कि ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं।